वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पूनम्स गार्डन एंड रिसाइकलिंग क्रिएटिविटी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप ऑयल के खाली कंटेनर यानी डब्बे से आप ब्यूटीफुल फ्लावर पॉट कैसे बना सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये है हमारा कंटेनर, जो खाली कंटेनर है जो आज हम कट करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको कोई भी चाकू या आपके पास कोई ब्लेड हो उससे आप उसकी हेल्प से इसको कट कर सकते हैं। तो इसको जो मैंने कट किया है वो मैं देने वाली हूँ, इसको एक हाउस का डिज़ाइन देने वाली हूँ। तो मैंने उसके हिसाब से इसको कट किया है, आप भी वो ट्राई कर सकते हैं। तो हमें इसे दो पार्ट में कलर करना है, तो आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, जो एज यू विश, जो आपको पसंद हो आप उसके हिसाब से कलर कर सकते हैं। तो मैंने ऊपर का जो पार्ट है मैंने उसके लिए येलो चूज़ किया है और नीचे का जो पार्ट है उसके लिए मैंने स्काई ब्लू किया है। तो अभी हम कर रहे हैं येलो कलर। तो जब मेरा पूरा कलर हो जाएगा मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा पूरा कलर हो चुका है कम्प्लीट। तो मैंने स्काई ब्लू नीचे किया है और येलो, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ऊपर की साइड हमने येलो कलर किया है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, सूख भी चुका है। तो सूखने के बाद का ये वीडियो है मेरा। अब हमको इस पर बना लेना है डिज़ाइन। डिज़ाइन बनाने के लिए हमें, जैसा मैंने बताया था आपको, हमें इसको देना है हाउस का लुक। तो उसके लिए हमें इस पर बनानी है खिड़कियाँ और झरोके बनाने हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि ये देखिए, ये मैंने झरोके बनाए हैं और विंडो, और जो आपकी बम्पटी होती है, बम्पटी साइड में जो आपकी विंडो होती है उसका लुक मैंने इसमें दिया है, ताकि ये देखने में पूरा हाउस का लुक दे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा तैयार हो चुका है। मैंने इस पर ब्लैक कलर किया है, तो इसको अभी हमें कर लेना है आउटलाइन। आउटलाइन से मैं इस पर डिज़ाइन बना दूँगी खिड़की और झरोके और बम्पटी का, जो मैंने आपको बताया था। तो उससे हमारा जो कंटेनर है उस पर हमने डिज़ाइन जो बनाया है वो हमारा पूरा हाउस का लुक देगा। तो सबसे पहले हमें वाइट कलर से कर लेना है अंडरलाइन इन सभी को। मैंने बीच में ब्लैक कलर किया, आप देख सकते हैं। आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, आप वुड का कलर भी यूज कर सकते हैं, वो भी अच्छा दिखाई देता है। आप ब्लैक कलर भी यूज करते हैं, कर सकते हैं। तो ये मैंने ब्लैक किया है और अब हम इसे वाइट कलर से कर रहे हैं। हम इसको डिज़ाइन दे रहे हैं खिड़की और विंडो का, खिड़की विंडो और झरोकों का। फ्रेंड्स, तो खिड़की विंडो तो सेम ही होती हैं। तो झरोके, जैसे आप देख सकते हैं, ये मैंने एक झरोखा बनाया है जो हमारा लुक देगा, कि हमारी जो छत होती है छत में झरोके हम लोग डाल देते हैं तो ये उसका लुक देगा। और ये बम्पटी का जो हमारा विंडो होता है ये उसका लुक देने वाला है, जो डिज़ाइन मैं अभी बना रही हूँ। तो ये बहुत ही ईजिली बन जाएगा फ्रेंड्स, आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत भी दिखाई देने वाला है। तो आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं अपने घर में। तो आप देख सकते हैं कितनी ईजिली हमारा बन चुका है, मैं तैयार कर रही हूँ इसको। तो ये हमारा हो चुका है अब बम्पटी का डिज़ाइन तैयार, और मैंने खिड़की का डिज़ाइन पहले से तैयार किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आपको मैं दिखाती हूँ इसको पास से, देखिए कितना सुंदर हमारा जो प्लांटर है कितना सुंदर दिखाई दे रहा है देखने में, आप भी देख सकते हैं। और आप इसमें कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। मेरे फ्लावर मैंने ये कलर चूज़ किया है। तो आइए चलिए चला लगाते हैं अब हम इसमें प्लांट। तो ये हमारा कंटेनर है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको होल करने लाएँ आपके कंटेनर में, क्योंकि अगर होल नहीं होगा तो आपके कंटेनर में प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं होगा। तो ये मैं आज इसमें लगा रही हूँ डेविल, ब्लैक डेविल का जो प्लांट है वो मैं इसमें लगा रही हूँ। तो अभी हम इसकी थोड़ी सी मिट्टी रिमूव कर लेते हैं, ताकि इसका जो रूट्स हैं वो थोड़ा खुल जाएं और ये अच्छे से और भी अच्छे से ग्रो हो जाए, अच्छे से ग्रोथिंग इसकी चलने लगे। तो अभी हम इसको लगाने वाले हैं इसके अंदर, और आप देखिएगा कितना खूबसूरत दिखाई देगा ये इसके अंदर लगने के बाद। ये एक इंडोर प्लांट भी है, तो आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं। ये आपका डिज़ाइन जो है ये अंदर रख के भी बहुत ही अच्छा लुक देगा। तो आप भी जल्दी से ट्राई कीजिए, आपके पास कोई खाली कंटेनर पड़ा हुआ है 5 लीटर का, क्योंकि मैंने ये 5 लीटर के डब्बे से तैयार किया हुआ है प्लांटर। तो आप इसको एज ए
इंडोर प्लांट लगाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, आउटडोर प्लांट लगाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये आप इस पे कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है। अगर आपको नहीं बनाना आता है तो आप मेरा ये वीडियो देख करके ज़रूर बना सकते हैं, क्योंकि ये मैंने बहुत ही सिंपल डिज़ाइन इस पे तैयार किया हुआ है, ये बहुत ही ईजिली बन चुका है। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और देखते रहिए मेरा वीडियो ऐसे ही। चैनल सब्सक्राइब्स कर लीजिए। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, ध्यान रखिए अपने प्लांट।